हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन चैप्टर्स के ऊपर एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, आप इसे जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करेंगे, जो कि आपकी एनसीईआरटी ओरिएंटेड भी हैं और आपके नीट के अंदर आने के लिए सक्षम भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि रीनल कॉर्टेक्स कंटेन्स कप लाइक स्ट्रक्चर कोल्ड। जो रीनल कॉर्टेक्स होता है उसमें आपको कप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देती होगी, तो वो स्ट्रक्चर किस चीज़ की, उस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? तो उस स्ट्रक्चर को हम बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं, बाउमेंस कैप्सूल कहते हैं। तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किडनीज डू नॉट हेल्प इन। ऑप्शंस दे रखे हैं हमको और हमको बताना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनके अंदर किडनी फंक्शन, जिसके लिए किडनी कोई फंक्शन नहीं करती है। ठीक है, जिसके अंदर किडनी कोई फंक्शन नहीं करती है। तो पहला है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन के लिए किडनी काम करती है और ये ऑस्मोरेगुलेशन हमारी बॉडी को मेंटेन भी रखती है। सेकंड क्या है, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। नहीं, किडनी का ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि जो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, और यही हमारा आंसर है। हमसे पूछा जो किडनी का फंक्शन नहीं है, नोट हमसे पूछा था। ओके, तो हमारा जो राइट आंसर हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया, वो है सेकंड वाला। थर्ड में देखते क्या लिखा फिर भी, मेंटेनिंग कंपोजिशन ऑफ बॉडी प्लाज्मा, बिल्कुल, और पीएच को भी रेगुलेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डायग्राम से लिया गया, वैसे तो डायग्राम बेस्ड है। कह रहा है कि ऑन द कनकेव साइड ऑफ इच किडनी देयर इज ए डिप्रेशन। जैसे आप किडनी की शेप देखोगे, बीन शेप आपको दिखाई देगी, उसके अंदर जो बीन शेप, जो कनकेव जो आपको साइड दिखाई दे रही है अंदर की तरफ दर्शी हुई, तो उसको क्या नाम दिया गया है, क्या कहते हैं उसको, और उसके अंदर क्या चीज़ इंटर करती है? आपको दिखाई दे रहे हैं कई सारे जो कैनाल्स हैं वो उसके अंदर एंट्री कर रही हैं, तो उसका नाम भी बताना आपको। तो उस रीजन को मैं आपको बता दूं, हाइलस कहते हैं। ठीक है, और उसके अंदर रीनल आर्टरी प्रवेश कर रही होती है, रीनल आर्टरी एंट्री कर रही होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज लीस्ट परमिएबल टू वाटर। पूछ रहा है कि नेफ्रॉन का ऐसा कौन सा पार्ट है जो वाटर के लिए लिस्ट परमिएबल होता है, यानी वाटर को कम परमिशन देता है अपने अंदर से बाहर निकलने के लिए। तो जो असेंडिंग लिंब है लूप ऑफ हैनले का, वो इसके अंदर अपना रोल प्ले करता है। ओके, जो प्रोक्सिमल है या डिसेंडिंग लूप हैम्बले, जो कलेक्टिंग डक्ट है, इसके अंदर इतना नहीं होता है जैसे कि असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैनले। जैसे डिसेंडिंग आएगा उसके अंदर तो ये वाटर के लिए बहुत ज़्यादा परमिएबल है, साल्ट के लिए परमिएबल नहीं होगी, लेकिन जैसे ही असेंडिंग लिंब के अंदर वो चीज़ जाएगी तो उसके अंदर वाटर इम्परमिएबल हो जाएगा और साल्ट कंटर जो साल्ट है उसका फ्लो आउटसाइड इंक्रीज हो जाता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ हैनले। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपसे एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन जो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि द सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक प्लेस बाय, सिंथेसिस ऑफ यूरिया इन लीवर टेक्स प्लेस बाय। सबसे पहले तो आपको इस क्वेश्चन से एक आंसर मिल गया कि यूरिया का सिंथेसिस कहाँ पे होता है। ऐसा भी क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो कि लीवर के अंदर होता है, और कैसे होता है, कौन सी साइकिल होती है, तो उस साइकिल का नाम है ऑर्निथिन साइकिल। ऑर्निथिन साइकिल से यूरिया की फॉर्मेशन होती है लीवर के अंदर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द किडनी फेल्स टू फंक्शन, यदि किडनी फंक्शन करना बंद कर दे, अपना जो काम वो कर रही है उसको करना बंद कर दे, तो क्या क्या उसके इफेक्ट हो सकते हैं? तो फैला दे रखा है उसको देखते हैं कि द ऑर्गन्स कैन कैरी ऑल द फंक्शंस ऑफ द एक्सक्रीशन फॉर सम टाइम्स। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऑल द फंक्शंस तो परफॉर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो किडनी सारे फंक्शन परफॉर्म कर रही थी, सभी ऑर्गन ऐसे थोड़ी ना कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाला तो नहीं है। सेकेंड है कि रीनल फेलर्स बिकम ए लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट। बिल्कुल सही, यदि आपका रीनल फेलर, यदि किडनी फंक्शन करना बंद कर दे, तो ये आपके लिए घातक हो सकता है। ठीक है, आपकी जानलेवा हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट हो सकता है। तो आपका आंसर तो यही होगा,
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज पॉसिबल इफ, तो इसमें हमें बताना है कि कब होता है, कब हो सकता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर आपका ब्लड प्योरीफाई होता है। इस फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि एक ऐसी जो पाइप होती है जो कि आपका ब्लड लेके आती है, ठीक है, और एक ऐसी होती है जो कि आपका ब्लड लेके जाती है, जो प्योर ब्लड हो चुका है उसको लेके जाती है। जो लेके आती है और बॉडी पार्ट से, उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल। जो लेके आती है उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्टेरियोल, और जो लेके जाती है वापस वहाँ से प्योरीफाई ब्लड को लेके जाती है उसको एफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, ठीक है। फिल्ट्रेशन कब होगा, जब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन प्रेशर होगा, ठीक है, ब्लड का कुछ प्रेशर होगा। तो जब ज़्यादा ब्लड आएगा और कम ब्लड निकलेगा तभी जाके प्रेशर मेंटेन होगा ना, ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो उससे जो फिल्ट्रेशन है वो पॉसिबल हो सकेगा, और जो लेके जाती है पाइप उसका सी डायमीटर कम भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि एफरेंट आर्टेरियोल का जो डायमीटर है ज़्यादा होना चाहिए इफरेंट कैपिलरी से, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल हैज मोर डायमीटर देन द इफरेंट आर्टेरियोल, तो आपका जो फर्स्ट वाला ही जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई इन किडनी इज कॉल्ड, किडनी के अंदर जो ग्लोमेरुलाई होती हैं आपकी, तो उसके यदि इसके अंदर स्वेलन आ जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाती है, तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं, ये डिजीज से क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो उस डिजीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाउमन्स कैप्सूल इज लाइन बाय, जो बाउमन्स कैप्सूल होते हैं उसके अंदर की जो लाइनिंग होती है किस प्रकार के टिश्यू से वो लाइन होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम। बाउमेंस का कैप्सूल सिंपल स्क्वेमस एपिथीलियम टिश्यू के अंदर से लाइन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीजीए प्लेज ए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल वहन, जो जीजीए है जक्स्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस, वो एक कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी प्ले करता है, कब कब करता है वो, जब हमारी बॉडी का यदि ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है, ब्लड प्रेशर जो कम हो जाता है, तो उस टाइम पे जीजीए जो रिसेप्टर्स वगैरह होते हैं वो स्टाइमुलेट हो जाते हैं, तब ये अपना रोल वहाँ पे प्ले करता है। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला ही है, देयर इज ए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर, और यही इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन मेंशन टाइम स्टैम्प एट विच यू हैव डाउट एंड रिटन इन द कमेंट बॉक्स, जिसमें आपको जिस टाइम पे आपको कोई दिक्कत आ रही तो आप उसको कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करें, और मैं उसका सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ टिश्यू इज फाउंड इन पीसीटी एंड डीसीटी, जो प्रोक्सीमल कन्वोलेटिव ट्यूबल्स होता है और डिस्टल कन्वोलेटिव ट्यूबल होती है, ये भी किससे लाइन होते हैं, पहले पूछा था कि बाउमन्स कैप्सूल किससे लाइन होता है, अब पूछा कि पीसीटी और डीसीटी किससे लाइन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं जो पीसीटी है वो सिंपल क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर से लाइन होता है, ब्रश बॉर्डर टिश्यू से लाइन होता है, और जो डीसीटी है वो सिंपल क्यूबॉइडल से होता है, दोनों के अंदर क्यूबॉइडल है लेकिन इसमें ब्रश बॉर्डर का डिफरेंस था बस, तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट ऑप्शन, देखिए ये तो वाला है या करेक्ट वाला है, तो उसके अंदर मैं चारों स्टेटमेंट रीड करता हूँ, क्योंकि उन चारों स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ आपको नया ही पता चलेगा। यदि मैं जो करेक्ट है उसी स्टेटमेंट को आपको बता दूं, तो जो दूसरी जो बाकी की जो स्टेटमेंट बच जाएंगी उनके अंदर क्या क्या गलतियां थी, क्या होना चाहिए था कि वो ठीक हो जाएं, ये आपको पता नहीं चल पाता। तो मेरा मोटिव यही है कि वीडियो चाहे थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन उस क्वेश्चन के लिए आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल जाए, ठीक है, चार ऑप्शन के बारे में आपको पता चल जाए कि कब कौन सही होने वाला था और क्यों गलत हुआ, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इनकरेक्ट हमसे पूछा है, तो हम ऑप्शंस देखते हैं। पहला है कि इन्फ्लामेशन ऑफ ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी इज कॉल्ड ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस, ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया पीछे, तो हाँ ये बिल्कुल सही है कि ग्लोमेरुलाई यदि इन्फ्लामेशन हो जाती तो उस डिजीज को हम ग्लोमेरुलो नेफ्राइटिस कहते हैं, तो ये तो ठीक है। इनकरेक्ट हमसे पूछा है,
सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है कि द एपिथेलियल सेल्स ऑफ बाउमेन कैप्सूल्स आर कॉल्ड पोडोसाइट सेल्स। बिल्कुल सही है कि जो बाउमेन कैप्सूल के अंदर सिंपल स्क्वामस से होता है उसकी जो सेल्स होती हैं एपिथेलियल सेल्स उनको हम पोडोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। ठीक है, ब्लड प्रोटीन को, जो ब्लड के अंदर प्रोटीन होती है वो ब्लड के अंदर जाने से रोकती हैं ये पोडोसाइट सेल्स, तो ये भी ठीक है। थर्ड क्या कह रहा है कि पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ किडनी। ये भी ठीक है कि पीसीटी और डीसीटी मेनली कॉर्टिकल रीजन के अंदर ही आ जाते हैं किसी भी नेफ्रॉन के अंदर। थर्ड भी करेक्ट है। फोर्थ देखते हैं, यही इनकरेक्ट मिलेगा क्योंकि यही बच गया। अब तो देखते हैं क्यों इनकरेक्ट है। द असेंडिंग लिंब ऑफ लूपोफेनली इज परमिएबल टू वाटर बट अलाउज ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली एक्टिवली। कहता है कि जो वाटर के लिए परमिएबल है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन कब? एनर्जी लेकर, यानी एक्टिवली कर रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ इनपुट लेके फिर काम करेगा। तो मैं आपको पीछे भी क्वेश्चन कर सकें इसके ऊपर हम, तो इसके अंदर मैंने बताया था कि जो असेंडिंग लिंब ऑफ लूपोफेनली है वो इम्परमिएबल होता वाटर के लिए। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट हमने बता दिया, तो फोर्थ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी देन। कह रहा है कि बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में अपना ब्लड बाहर आ जाए या ब्लड नहीं तो वाटर वगैरह हम ना लें, तो एक्सेसिव फ्लूइड लॉस हो जाए तो क्या क्या हमको दिक्कत हो सकती है। तो ऑप्शन रीड करके पता करते हैं। पहला है कि एक्टिवेट्स रिसेप्टर्स विच स्टिमुलेट द हाइपोथैलेमस टू रिलीज द ADH फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं वो हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं और वो सिग्नल देते हैं हाइपोथैलेमस को कि ADH रिलीज करो न्यूरोहाइपोफाइसिस से। बिल्कुल ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। फिर भी और स्टेटमेंट देख लेते हैं वो गलत क्यों हैं। सेकंड लिखा है कि ऑस्मो रिएक्टर स्विच ऑफ, नहीं, ऑस्मो रिएक्टर तो स्विच ऑन होते हैं, यही तो टाइम है उनका स्विच ऑन होने का। स्विच ऑफ वो तब होते हैं जब हमारे जो फ्लूइड बॉडी को, जो लिक्विड कंटेंट था, जो फ्लूइड था, उसकी मात्रा बिल्कुल सही चल रही है। ठीक है, लेकिन अब कमी आ रही है तो ऑस्मो रिएक्टर स्विच ऑन होंगे ऑफ होने के बजाय, इसलिए गलत है। थर्ड क्यों गलत है, रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन फ्रॉम एडर्नल मेडुला। एल्डोस्टेरोन एडर्नल मेडुला से नहीं, एडर्नल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। एल्डोस्टेरोन एडर्नल कॉर्टेक्स से रिलीज होता है, इसलिए ऑप्शन गलत है, और यहाँ पे मेडुला दे रखा है। फोर्थ कह रहा है कि एंजियोटेंसिनोजन इज कन्वर्टेड इंटू एंजियोटेंसिन वन। ये स्टेटमेंट यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये पूरी स्टेटमेंट नहीं दे रखी इसलिए ये गलत होगा। ओके, इसको हम प्रेफर नहीं करेंगे, तो फर्स्ट वाला ही हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ किडनीज फेल टू एब्जॉर्व वाटर द इफेक्ट ऑन टिश्यू वुड। किडनी वाटर एब्जॉर्व करना बंद कर देंगे तो टिश्यू के ऊपर क्या प्रभाव होगा, टिश्यू श्रिंक हो जाएंगे, वसराइवल हो जाएंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सेकंड सिंक एंड सराइवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट्स करेक्ट पूछा तो हमको चारों स्टेटमेंट पढ़नी है। ठीक है, कौन सी ठीक है, कौन सी ठीक नहीं है, क्यों नहीं है। पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि वेदर एक्टा इज अबसेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, यदि आप NCERT पढ़ते हैं तो आपको डायरेक्ट ये स्टेटमेंट मिलेगी, तो फर्स्ट वाला ठीक है। सेकंड, अमोनिया इज लेस टॉक्सिक। अमोनिया तो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होती है, मोस्ट टॉक्सिक होती है, यहाँ पे लिखा लेस टॉक्सिक, तो इसलिए ऑप्शन गलत है क्योंकि ये तो मोस्ट टॉक्सिक है। हाँ, आगे जो लिखा है कि रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर इट्स एलिमिनेशन, हाँ ये बात ठीक है, इसको वाटर एलिमिनेशन के लिए सबसे ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, लेकिन अमोनिया मोर टॉक्सिक होता है, यहाँ पे लेस लिखा इसलिए गलत है। थर्ड में क्या है कि GFR इन ए हेल्थी इंडिविजुअल इज अप्रोक्सीमेटली 125 ml पर मिनट, यानी कि यदि हम इसको लीटर के अंदर कन्वर्ट करें तो हमको मिलेगा 180 लीटर पर डे, तो GFR ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। फोर्थ देखते हैं, PCT आल्सो हेल्प टू मेंटेन द pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड, ये भी ठीक है। तो अब तक हमारी तीन स्टेटमेंट करेक्ट आई हैं, तो ऑप्शंस देखना कौन किस में तीन करेक्ट हैं। तो जो थर्ड वाला आपका थ्री जिस पे लिखा है,
यही आपका आंसर होगा, थर्ड आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लूकोज एंड 75% वाटर इज एब्जॉर्ब इन, जो ग्लूकोज है और 75% वाटर किस पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर एब्जॉर्ब होता है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर मैं आपको बता दूं प्रोक्सीमल कन्वोलेटेड ट्यूबल्स के अंदर एब्जॉर्ब होता है मैक्सिमम, इसलिए जो इसका आंसर होगा वो होगा 1, प्रोक्सीमल कन्वोलेटेड ट्यूबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर भले ही ना हो लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यदि आउटसाइड आता भी है तो ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ओके, इसलिए मैंने लिया, ऐसी कौन सी ब्लड वेसल्स है जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आपका यूरिया पाया जाता है, तो उसका नाम है हिपेटिक वेन, जो हिपेटिक वेन है आपकी इसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड वाला, कुछ एक्सप्लेन करने वाला तो है नहीं, तो सेकंड इसका राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द येल्लो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू, जो आपका जो यूरिन है उसका येल्लोइश कलर क्यों होता है, किसके कारण होता है, क्या उसके अंदर पिगमेंट होता है, तो उसका नाम उस पिगमेंट का यूरोक्रोम, यूरोक्रोम के कारण उसका जो कलर है वो येल्लो होता है, ये भी आउट ऑफ एनसीईआरटी लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यदि आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ पूछा जाता है तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए पेशेंट हु एक्सक्रीट लार्ज क्वांटिटी ऑफ सोडियम इन यूरिन हैज डिजीज, एक पेशेंट है जो अपने यूरिन में उसके यूरिन सैंपल के अंदर ज़्यादा सोडियम आ रहा है, ठीक है, तो उसको क्या बीमारी हो सकती है, तो आपको यदि कुछ आपने यदि थ्योरी पढ़ी है तो आपको पता चलेगा कि जो एल्डोस्टेरोन होते हैं ना उसका काम होता है सोडियम को एब्जॉर्ब करना, एल्डोस्टेरोन उसका काम होता है सोडियम को एब्जॉर्ब करना, यदि सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो एक ही कारण हो सकता है, यदि सोडियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो एक कारण हो सकता है कि एल्डोस्टेरोन रिलीज ना हो रहा हो, और एल्डोस्टेरोन कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल कॉर्टेक्स से, तो वो एडर्नल कोर्टेक्स से संबंधित डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रिफरेंस ऑफ हेमोडायलिसिस, आपके हेमोडायलिसिस के रिस्पेक्ट में आपको करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हेमोडायलिसिस में मैं आपको बता दूं को जो जब ब्लड डायलिसिस किया जाता है तो आर्टिफिशियल जो किडनी जिसको हम कहते हैं उसके अंदर आपको ब्लड आपका ब्लड उसके अंदर लाया जाता है, तो उसके अंदर जो एंटीकोगुलेंट है जैसे कि हिपेरिन वो उसके अंदर ऐड किया जाता है, तो ये करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, सेकंड वाला तो इसका आंसर है ही, फर्स्ट वाला क्यों नहीं आया देखते हैं। व्हेन ग्लूकोज कंसंट्रेशन इज हाई इन ब्लड, नहीं ये कब हेमोडायलिसिस जब किया जाता, जब अपने जो ब्लड है उसके अंदर कुछ और जो वेस्ट हैं बॉडी वेस्ट हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, अदर नाइट्रोजनस वेस्ट हो गए, ठीक है, उनके लिए किया जाता है, ग्लूकोज के लिए नहीं किया जाता, इसलिए गलत है। थर्ड क्या है, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ कीटोन बॉडीज, नहीं कीटोन बॉडीज के लिए इसका यूज नहीं है, इसलिए भी गलत, और फोर्थ तो अपने आप ही गलत हो गया, तो जो इसका फोर्थ जो सेकेंड है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, तो यार आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, थैंक यू।